हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। लाहौल समेत प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। शिमला के चांशल की चोटी पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला और जिला कांगड़ा में बीती रात भारी गर्जना के साथ बारिश हुई है। हालांकि सुबह से मौसम साफ है और धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। चंबा जिला के कबायली क्षेत्र भरमौर पांगी की ऊपरी चोटियों समेत बैरागढ़ किल्लाड़ वाया साच पास मार्ग पर 10 से 12 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। उधर धौलाधार की पहाड़ियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है। किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बर्फबारी से जिला में सेब सीजन भी प्रभावित हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और शिमला लाहौल स्पीति किन्नौर की चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई है। इससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद 14-15 अक्टूबर को भी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई भागों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल क्या बोले, सुनिए। देखिए, वेस्टर्न डिस्टरबेंस था पिछले कल हल्का सा, उससे प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है हल्की बारिश और तीन जिलों में शिमला लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी हुई है। शिमला में चांशल में रिपोर्ट्स है लाइट स्नोफॉल की। इससे टेम्परेचर्स में कमी आ गई है न्यूनतम तापमान में। शिमला में करीब करीब 6 डिग्री फर्क आ गया तापमान में, जो न्यूनतम तापमान है। और आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर जो है वो कम होंगे। अभी 2 से 3 दिन कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 14 के बाद एक दूसरा पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल लोअर मिड हिल में होगी और हायर रीचेज पे हल्की बर्फबारी होगी, जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू ये जिले शामिल रहेंगे। तापमान में गिरावट आएगी? तापमान में फर्क आएगा, अभी अंतर आ चुका है और आने वाले दिनों में और टेम्परेचर्स कुछ कम हो सकते। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।